राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उन्हें स्वस्थ आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पथ्य कल्पना कक्ष स्थापित किया गया है। यहां पोषण एवं आहार विभाग की ओर से आयुष आहार की संकल्पना को लेकर निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। संस्थान की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कमला आर. नागर ने बताया कि विभाग मसाले, मोटा अनाज और औषधियों को मिलाकर नए नए आहार तैयार कर रहा है, जिसके उपयोग से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अनाज या श्री अन्न के उत्थान के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एक विभाग है, आयुर्वेद डाइट एंड न्यूट्रिशन या पोषण आहार विभाग, जो निरंतर जन सामान्य और मरीजों के लिए कुछ इस तरह के नवाचार करता है आहार के साथ औषध, कि वो आयुष आहार की कल्पना को साकार करते हैं। हमारे इस विभाग में एक पथ्य कल्पना कक्ष है, या यूं कहिए एक आयुर्वेदिक सेटअप है किचन का, जिसमें हम निरंतर न केवल मिलेट्स बल्कि मसाले, जो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, और औषधियों को मिलाकर कुछ इस तरह के प्रिपरेशंस तैयार करते हैं। जैसे कि हमने कुछ कुकीज़ या बिस्किट्स बनाए हैं, जिसमें बाजरा, रागी और मोटे अनाज को विभिन्न औषधियों और मसालों के साथ सम्मिलित करके पेशेंट की हेल्थ भी अच्छी रहे, उसमें इस तरह से हमने औषधियों की डोज को इन्वॉल्व किया है कि टेस्ट भी ख़राब ना हो और वो शरीर को जाके हेल्दी ही करें। हमने बहुत सारी कुछ ऐसी प्रिपरेशन, कुछ हमने ड्रिंक्स तैयार किए हैं, पेय पदार्थ, जो डिहाइड्रेशन, जैसे शरीर में पानी की कमी या एनीमिया हो जाता है, या फीमेल हेल्थ के लिए, जो सर्दी के लिए कुछ अलग हमने ऊर्जा पेय तैयार किया है, कुछ हमने गर्मी के लिए पेय तैयार किए हैं। अक्सर हम आज के दिन डॉक्टर्स डे मनाते हैं, लेकिन जो इसके जनक हैं, जिनके नाम पर डॉक्टर DC रॉय, डॉक्टर विधान चंद रॉय, जिनके नाम पर ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि आज उनकी जन्मतिथि भी है और आज की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए जो भी संघर्ष किए, जो भी कार्य किए, उनके लिए आज हमने डॉक्टर्स डे आज के दिन हम मनाए जाते हैं। ये जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो प्रधानमंत्री के आग्रह पर हम लोग भी योगा वॉरियर बनकर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन दोनों चीज़ों का हम लोग संयोग दे रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं।